फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मेघना गुलजार की सैम बहादुर और संदीप रेड्डी वोंगा की एनिमल दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे की कलेक्शन रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें सैम बहादुर ने पहले दिन महज 550 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई है। फिल्म में विक्की कौशल, सना फातिमा शेख और सानिया मल्होत्रा हैं। पहले दिन इस फिल्म को ऑडियंस ने बुरी तरह से नकार दिया है। वहीं संदीप रेड्डी वोंगा की फिल्म एनिमल ने पहले दिन 61 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। रणबीर कपूर का किरदार और लुक्स दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। इसके अलावा बॉबी देओल का खूंखार अवतार भी दर्शकों को खूब भा रहा है। फिल्म को ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। How did you like the movie, the Sam Bahadur? Loved it, honestly, really loved it. Vicky Kaushal has acted. It actually felt like perhaps I'm seeing Sam Manekshaw on screen. That's what I was saying. Acting itself felt like so real, and music and everything made me feel connected. Perhaps I think how a soldier lives his life, that is more reflected. That's what I feel. ये जंग है। मुझे और मेरे soldiers को इसी की training मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तुम्हारी जगह वही है सैम, अपने जवानों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड सिनेमा बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। मेघना गुलजार और संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में इस फ्राइडे को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सैम बहादुर और एनिमल। सैम बहादुर को ऑडियंस ने पहले दिन बुरी तरह से नकार दिया है। पहले दिन की इनकी कलेक्शन रिपोर्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। सैम बहादुर को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर महज 550 करोड़ रुपए का कारोबार करने में पसीने छूट गए और हो गई पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म टाई टाई फिस। आगे की भी कोई अच्छे कलेक्शन की उम्मीद नहीं है। विक्की कौशल, सना फातिमा शेख और सानिया मल्होत्रा की फिल्म सैम बहादुर को ऑडियंस ने देखने से किया इनकार। फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मेघना गुलजार की सैम बहादुर और संदीप रेड्डी वोंगा की एनिमल दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे की कलेक्शन रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें सैम बहादुर ने पहले दिन महज 550 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई है। फिल्म में विक्की कौशल, सना फातिमा शेख और सानिया मल्होत्रा हैं। पहले दिन इस फिल्म को ऑडियंस ने बुरी तरह से नकार दिया है। वहीं संदीप रेड्डी वोंगा की फिल्म एनिमल ने पहले दिन 61 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। रणबीर कपूर का किरदार और लुक्स दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। इसके अलावा बॉबी देओल का खूंखार अवतार भी दर्शकों को खूब भा रहा है। फिल्म को ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर जमकर चल रहा है जादू। फिल्म ने पहले दिन ताबड़तोड़ 61 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है। आज फिल्म का है दूसरा दिन। माना जा रहा है फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा आज पार कर सकती है। अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप एनिमल देख सकते हैं। कहानी भी शानदार है, एक्टिंग भी दमदार है और इसलिए आप एनिमल देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी ऑलर्ट, बी केयरफुल, है भी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए न्यूज़वुड की ओर। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।